दोस्तों, अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इधर ऐसे क्यों बैठा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये व्लॉग नहीं है, गेम प्ले नहीं है, स्टोरी है, मैंने पहले बता दिया। तो और रोस्टिंग भी नहीं, मैं बेसिकली ऐसे रोस्टिंग के लिए बैठा हूँ। रोस्टिंग नहीं है, एक मूवी है, मतलब मैं कहीं और देखता रहा, कुछ और बोलता रहा मूवी। तो ये है, मैंने पहले बता दिया था, स्टोरी ऐसे वैसे नहीं, हॉरर स्टोरी। तो अब ये स्टोरी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब देखो, मैंने एक नया चैनल खोला, मतलब मैंने अकेले नहीं खोला, मैं और मेरा दोस्त है प्रियांशु, हम दोनों ने मिलकर खोला, मैं स्कूल का दोस्त है, हम दोनों ने मिलकर एक चैनल खोला है नाइट फियर्स नाम से। हॉरर चैनल है, हॉरर वीडियोज आती है, 30 डेज 30 वीडियोज का चैनल किया हुआ, 30 डेज 50 सब्सक्राइबर्स का चैनल किया हुआ, मुझे अभी थोड़ा बोलना। तो हाँ, हॉरर स्टोरी आप देख सकते हो चैनल डिस्क्रिप्शन में, ये मैं दोनों चैनल पर डालूंगा, रॉयल गोल्ड और उसमें नाइट फियर्स में। रॉयल गोल्ड में भी अभी व्यूज़ नहीं आ रहे, कम चल रहे हैं, तो व्यूज़ उसमें देखो, और फियर नाइट को भी सब्सक्राइब करो। क्या सब्सक्राइबर नहीं है, नया नया चैनल खोले, 4 सब्सक्राइबर। तो बिना किसी देरी करें चलिए शुरू करता हूं अपने पहले पॉइंट का। तो ये कहानी है हरीश की कहानी है, और मतलब क्या हुआ था, जो हरीश था वो कोई हरियाणा के एक छोटे से गांव से था, बहुत गरीब फैमिली थी उसकी, मतलब तुम समझ सकते हो, लोअर से तो गरीब फैमिली थी, वो गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते थे। उसके जो पापा थे वो मजदूरी करते थे, वो होता है ना बिल्डिंग बनाने के लिए सर्वर में वो रखते जाते ही करते, वो करते थे मजदूरी। वो जब हरीश था वो देखता था कभी कभार अपने पापा को कि ये ऐसे ऐसे कर रहे, तो अभी बड़ा कोई अच्छा सा काम करूँगा, बिजनेस करूँगा, कुछ तो करूँगा, पर थोड़ा अच्छा, लो मतलब गरीब तो रहेंगे नहीं, हम लोअर क्लास तो लेंगे नहीं, मिडल बने तो कोई। तो ऐसे ही ये तब 8-9 साल का था हरीश। तो उसके बाद हरीश जो है वो गया, मतलब वो बड़ा हो गया, फिर बड़ा हुआ मतलब कितने साल, उसको 20-15 साल का हो गया। हरीश ने सोचा तो मैं 20-25 साल का, 20-15 होगा, 20 साल का मान लो। हरीश भी लाइक हरीश सोच रहा था कि हाँ अब मैं 20 साल का हो चुका हूँ, तो काम करता हूँ, मैं शहर जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली में कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूंगा, या फिर बिजनेस करूँगा अपना, कुछ भी पानी वानी का कुछ भी बिजनेस कर लूँगा। उसके माँ बाप भी पहले बोल रहे थे बाहर मत जा, क्या क्या बड़ा इतना बड़ा शहर देगा, फलान ढमकाना, क्या क्या करेगा, कहाँ रहेगा, कोई जगह भी नहीं है, कोई नहीं जानता, तो इधर गाँव में रहे हमारे साथ, कोई पानी वाने का कोई बिजनेस नहीं, मैं दिल्ली जा रहा है लड़के, मैंने इतना तो जाओ मैंने उसी भाई। रात को सामान पैक करके उसकी ट्रेन थी रात के 12 बजे उसकी ट्रेन थी, ट्रेन में उसने ट्रेन पकड़ी, सो भी नींद लग गई, घर से खाना पीना खा लिया उसने, आराम से ट्रेन में बैठ गया, पहुँचे घर से थोड़ी देर बाद आराम से खाना पीना खाया, फिर उसकी नींद लग गई, लगते ना रात को 12 बजे कौन खा रहा था। 2-3 घंटे बाद उसकी नींद खुली, रात के 3 बजे हरियाणा के बीचों स्टेशन, पूरा खाली स्टेशन, सुनसान, कुछ कोई नहीं, चिड़िया तक कौ कुछ भी, चिड़ियों की आवाज़ ही नहीं आ रही, एक भी चिड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही, ना कौआ ना कबूतर, किसी की आवाज़ नहीं। उसके एकदम से नींद खुली रात के 3 बजे, हाँ तो फिर रात के 3 बजे जब वो स्टेशन में पहुँचे बीच वाले सुनसान स्टेशन में, तो हरीश की आँख खुली और उसने कुछ देखा, खिड़कियों में वो विंडो ऐसे पूरी, एक ट्रेन होती है एक आगे सामने बग्घी होती है बैठने के लिए सीट दिखाई होती है, पीछे दो उसने इस हिसाब से देखा, सुनसान स्टेशन एकदम पूरा कोई नहीं है, उसने पीछे गया, वो उधर गया बाहर से उधर की तरफ गेट की तरफ गया, गेट की तरफ उसने देखा वो दूर एक समोसा वाला अंकल बैठे मतलब समोसा बना रहे अपने बच्चे को, उसको भूख लग रही थी रात के 3 बजे, खाना वाना सब खत्म कर चुका था, उसको भूख लग रही थी, वो
गया अंकल जी के पास, बोला अंकल जी कुछ मिलेगा खाने पीने के लिए, समोसे है? अंकल जी ने रिप्लाई नहीं करा, कुछ नहीं बोला, बोला उम्र हो गई होगी अब, उस बार तेज बोलता थोड़ा, कुछ नहीं बोला हरीश, अंकल जी समोसे है क्या? अंकल जी ने फिर नहीं सुना, जैसे ही एक और बार बोला, बोला अंकल जी कुछ मुड़े अरे भारी आवाज में, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, मैंने अभी तुम अभी मैं बना रहा, अंकल जी ने बोला अभी मैं बना रहा हूँ ना, तो मेरे भाई बैठे क्यों बोलते हो इतना, बैठो मैं ला, उसने सोचा अंकल इतना रूड है, बैठ जाता हूँ, बैठ गया अंकल जी, उससे ले समोसे लाए, विष्णु पहले देखा समोसे की तरफ, समोसे अच्छे थे, उसमें समोसे होते ही थे और उसके साथ चटनियाँ और जितने भी वो खे होते हैं क्या बोलते हैं उन्हें, मिर्ची विर्ची सब सब, तो हरीश ने बोला समोसे देखने से बड़े अच्छे लग रहे हैं अंकल जी, आप कब से काम कर रहे हो इधर, और ये स्टेशन पूरा खाली क्यों है रात को, हो सकता है उसको भी लगा, हो सकता है रात के 3 बज रहे होंगे, कौन आता है स्टेशन में, पर फिर अंकल जी ने एकदम से बोला, नहीं पहले हरीश ने पर फिर हरीश ने बोला, हरीश ने मतलब ऐसे बोला थोड़ा तेज, थोड़ा ऐसे बोला, हाँ वो 3 बजे रात के कौन आएगा स्टेशन में, ऐसी करते अंकल ने एकदम से मुड़े और बोला नहीं रात के 3 बजे जब बहुत ज़्यादा भूख रहते 3 से 5 तक, उसके बाद तो छोड़ो इतनी भीड़ 6 बजे तो बहुत भूख रहती है।